हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं इरेन कुमार साहू और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल इरेन ट्यूटोरियल पे। दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं छत्तीसगढ़ का इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो पंचायती राज अधिनियम है और जो नगरी निकाय अधिनियम है। ठीक है, इसमें जो भी अनुच्छेद है, ठीक है, इनके जो अनुच्छेद है उनके बारे में आज जितने में हम क्या करेंगे, आज के जो है लेक्चर में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये कोई ना कोई एग्जाम में क्या होता है आपके जरूर पूछा जाता है। ठीक है, तो ये जो पहले जो हम पंचायती राज की जो बात करते हैं, ये कौन से संविधान संशोधन के अंतर्गत हमारे संविधान लाया गया था, तो ये जो लाया गया था हमारा 73वां संविधान संशोधन। ठीक है, 73वां संविधान संशोधन के अंतर्गत क्या किया गया था, ये इसको सम्मिलित किया गया था, देख सकते हैं आप। और ये कौन से भाग में है, ये हमारे संविधान के भाग 9 में और अनुसूची 11 में क्या है, ये सम्मिलित है। उसी प्रकार जो हम इसको क्या करेंगे, थोड़ा कंपैरिजन की तरह क्या करेंगे, इसको याद करेंगे ताकि आप लोगों को इजिली क्या हो सके, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू क्या हो सके, इसको आपके दिमाग में बैठ सके, ये याद हो सके। तो ये जो पंचायती राज का जो है भाग 9 में था और अनुसूची 11 में था, उसी प्रकार क्या है आपका नगरी निकाय जो भी महत्वपूर्ण अनुच्छेद है वो है आपके आर्टिकल क्या है, ये है आपके भाग 9 में है और अनुसूची कितने में है, ये 12 में है। ठीक है, ये याद रखना है। ये है आपका कौन सा 73वां संविधान संशोधन है, तो ये आपका कौन सा है, आपका 74वां संविधान संशोधन है। ठीक है, 74 अमेंडमेंट है। तो ये है आप, अब जो हमारा जो पंचायती राज जो अधिनियम है, ये है आपका 243A से लेकर क्या है 243O तक है। ठीक है, कहां से कहां तक है ये हमारा 243A से लेकर कहां तक है आपका 243O तक। ठीक है, उसी प्रकार क्या है जो हमारा 243P से लेकर जो हमारा नगरी निकाय है वो 243P से लेकर 243 ZG तक है। ठीक है, तो अब देखते हैं दोनों को कैसे किस प्रकार आपको याद कर सके, कैसे कंपैरिजन करके याद रखना है। देखो, सबसे पहले आपका आता है 243A, अनुच्छेद किसका है आप, कितना है 243A का। इसमें क्या किया गया है, जो हमारा जो ग्राम सभा है इसको क्या किया गया है, परिभाषित किया गया है, इसका पूरा डेफिनेशन बताया गया है कि ग्राम सभा किसको बोलेंगे, है ना, किसको बोला जाएगा ग्राम सभा। ठीक है, किन किन लोगों को सम्मिलित किया जाएगा, तो इसमें क्या है आपका ग्राम सभा, उसको क्या कर दिया, डिफाइन कर दिया। ठीक है, तो ये हमारा पहला हो गया। उसी प्रकार क्या होगा जो 243P में, ठीक है, ये ए से स्टार्ट होगा और ये पी से स्टार्ट होगा, तो जो 243P है इसमें भी इसका क्या होगा, जो नगरी निकाय है, ठीक है, उसका क्या किया जाएगा डेफिनेशन दिया जाएगा, उसको परिभाषित किया गया है। अब देखते हैं 243B ख में क्या है, जो हमारा ग्राम सभा हो गया। अब इस ग्राम सभा का गठन भी तो करना है, जो ग्राम पंचायत का गठन भी तो करना है, तो इसमें जो पंचायत है, ग्राम सभा के बाद जो पंचायत है उसके गठन के बारे में क्या किया गया है, बताया गया है। अर्थात किसी चीज को जब परिभाषित किया गया है, अब उसका संगठन, अब उसका क्या करेंगे, उसका गठन करेंगे। तो उसी प्रकार इसमें भी परिभाषा दिया गया है, ठीक है, पहले वाले में 243P में, उसके बाद क्या किया गया है, उसका गठन किया गया, अर्थात जो नगर पालिकाएं हैं उसके गठन के बारे में यहाँ पर बताया गया है। तीसरा चीज आता है हमारा क ख ग के बाद 243C, इसमें क्या किया गया है, इसमें तो आपने बता दिया परिभाषा, अब इसमें आपने बता दिया कि गठन कैसे होगा, अब इसमें बताना है संरचना। ठीक है, क्या है इसमें आपका संरचना, अर्थात उसमें कौन कौन से लोग जो है शामिल होंगे, उसमें किस किस की सदस्यता होगी, वो कैसे, उसमें महिलाएं कितनी होगी, ठीक है, कितने महिलाएं होंगे उसमें, सदस्यों की संख्या होगी, तो ये तीसरा आपके कौन से पंचायत की संरचना में आता है। उसी प्रकार क्या हो गया, हमारा परिभाषा हो गया, गठन हो गया, तो 243R में भी क्या हो गया, इसके संरचना के बारे में बताया गया है। ठीक है, दोनों को कंपेरिजन करके पढ़ना है। अब चौथा याद रखना अपने को, 243D घ में संरचना हो गया, संरचना के बाद क्या है हमारा, सीटों का आरक्षण, अर्थात जो कास्ट वाइज, ठीक है, उसके जितने भी विभिन्न पद है, चाहे वो अध्यक्ष हो, उपाध्यक्ष हो, है ना, जो जनपद पंचायतों में या जो ग्राम सभाएं होती है, जो ग्राम पंचायत होती है उसमें सरपंच और उप सरपंच या पंच है, उसके जो सीटों का आरक्षण कितना होगा, ठीक है, उसके बारे में क्या किया गया है यहाँ पे बताया गया है। ठीक, उसी प्रकार क्या है, यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर 243R था, दोनों सेम था। अब यहाँ पर जो 243S है, यहाँ पर जस्ट एक चीज और आ जाएगा, इसमें आपके वार्ड समिति और वार्ड हो गया, समिति हो गया, इसका जो गठन है उसके बारे में बताया गया है। यहाँ पर बस एक ही चीज आपको ये याद रखना है, बाकी पूरा सेम है, आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, पांचवा जो है आपका 243E, 243 में क्या है आपके कार्यकाल या अवधि,
ठीक है, अर्थात जो हमारा पंचायत होंगे, चाहे वो जनपद पंचायत हो, चाहे वो ग्राम पंचायत हो, चाहे वो जिला पंचायत हो, उसके जो कार्यकाल है वो कितने साल का होगा, कितने साल तक उसके अधिकारी होंगे या कितने साल तक उसके सदस्यों की है ना, उसके बारे में बताया गया था। ये हमारा कार्यकाल हो गया। तो आरक्षण के बाद क्या याद रखना है आपको, अवधि। ठीक है, आरक्षण के बाद क्या करना है आपको याद रखना है, अवधि। तो सेम इसमें सेम होगा, 243 जो टी रहेगा दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं 243 जो है टी है आपका क्या है, आरक्षण है। ठीक है, इस प्रकार क्या है, ये आपका सीटों का आरक्षण आपको पता चल गया। अब देखते हैं जो 243E है, इसमें क्या है आपका कार्यकाल है, अर्थात वो कितने साल का होंगे, जो ग्राम पंचायत होंगे, चाहे वो ग्राम सभा होंगे, चाहे वो जनपद पंचायत होंगे, वो कितने साल के होंगे, इसमें आपको बताया है। सेम क्या है, इसमें भी 243U में भी क्या किया गया है, अवधि के बारे में बताया गया, अर्थात कितने साल के होंगे आपके जो भी नगर पालिका होंगे, नगर पंचायत, नगर पालिका परिषद। ठीक है, ये आपका यहाँ तक आ गया, पूरा सेम सेम चल रहा है। अब देखते हैं 243F में अर्हताएं और निर्हताएं, अर्थात जो भी पंचायत के सदस्य रहेंगे या नगर पालिका के जो सदस्य रहेंगे, उसके क्या है चुनाव लड़ने की योग्यता क्या होनी चाहिए, या चुनाव लड़ने की योग्यता क्या क्या नहीं होनी चाहिए, या किस कारण निर्हरता, अर्थात किस कारण उसको रद्द किया जा सकता है। ठीक है, उसको क्या किया गया इसमें, जो बताया गया है अर्हताएं और निर्हरताएं। अभी जान सकते हो जो अमित जोगी का क्या हुआ है, मरवाही सीट से क्या करे चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन उसमें क्या किया उसको, उसकी अर्हता जो है वहां के जो जिला पंचायत जो कलेक्टर है, ठीक है, जो जिला निर्वाचन अधिकारी होगा, उसने क्या कर दिया, उसको रिजेक्ट कर दिया। तो उसमें इसी चीज को बताया गया है। ठीक है, तो ये हो गया आपका अर्हताएं निर्हरताएं, अर्थात इसमें क्या किया गया है, सदस्यों की निर्हरताएं क्या क्या होगा, जिसके कारण वो क्या होगा, उसका चुनावी जो भी वो जो लड़ रहा है कैंडिडेट, वो क्या हो जाएगा, वो डिस्कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, वो चुनाव नहीं लड़ पाएगा। अब आता है हमारा 243G6 में, इसमें क्या किया गया है, जो भी चुनाव अर्थात जो भी ग्राम पंचायत है, जो भी जो जनपद पंचायत रहेंगे, उसको क्या क्या शक्तियां प्रदान की गई है, उसके बारे में बताया गया है। उससे जो कि किसी भी ग्राम पंचायत जनपद पंचायत को कोई भी शक्ति देंगे, वो अपने शक्ति से ही काम करेंगे, तो वो उसके बारे में बताया गया है। बस पॉइंट टू पॉइंट है, इसमें भी क्या किया गया है, अर्हताएं निर्हरताएं के बाद उसके भी शक्ति और अधिकार के बारे में बताया गया है। ठीक है, अब आता है हमारा 243H में, इसमें क्या किया गया है, यदि पंचायतों को आपने अधिकार दे दिया, ठीक है, तो वो अधिकार वो अधिकार किस प्रकार का होगा वो अधिकार होगा आपके कर आरोपण करने की शक्ति, अर्थात कोई भी ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत या कोई नगरीय निकाय क्या काम करता है भाई, वो कर आरोपित करता है। जैसे गांव में क्या होता है, गांव में हाट बाजार लगता है, मेला लगता है, तो एक ग्राम सभा या ग्राम पंचायत को अधिकार रहता है कि लोगों से क्या कर सके, वो टैक्स वसूल सके। तो वही शक्ति है, क्या कर सकती है वो, पंचायतों का जो उत्तरदायित्व, पंचायतों को कर आरोपण करने की शक्ति होगी। उसी प्रकार क्या होगा, 243X में जो नगरीय निकाय होगा उसको भी कर आरोपण करने की शक्ति प्रदान की गई है। ठीक है, अब जो है 243I जो है झ, इसमें क्या किया गया है, राज्य वित्त आयोग का गठन। अब भाई इन लोगों को पैसा कैसे प्राप्त होगा, यदि हमारे क्षेत्र में विकास करना, चाहे वो ग्राम पंचायत हो गया, जनपद पंचायत हो गया, या ठीक है, या इसमें भी क्या हो गया आपके नगरीय निकाय हो, इसको पैसा कैसे प्राप्त होगा, इसके लिए कुछ कहीं ना कहीं से आपको फंड तो लाना पड़ेगा ना, सरकारी फंड। तो वो क्या करेगा, वो एक राज्य वित्त आयोग का क्या करेगा, वो गठन करेगा। ठीक है, इसमें भी क्या करेगा, 243Y में एक वित्त आयोग का गठन करेगा, जहां से क्या करेगा, उसको कुछ फंड प्राप्त होंगे और वो आम जनता तक वो क्या होगा, वो पहुंचेगा। ठीक है, इतना है आपको। उसके बाद आता है आपका 243J या, तो इसमें क्या किया गया है, पंचायत का लेखा जोखा, और उसी प्रकार क्या किया गया है आपका, ये आपका नगरीय निकाय का लेखा जोखा। लेखा जोखा अर्थात भाई वहां पर जितने भी काम कर रहे हैं तो उसका काउंटिंग होना जरूरी है ना, अकाउंटेंट तो होगा जरूरी का, तभी तो क्या कितना काम कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, उनका क्या काम का क्या प्रोग्रेस है वर्क का, तो इस प्रकार की उसकी क्या होती है जानकारी। वित्त आयोग बैठेगा, यदि हम जानते हैं चाहे वो कलेक्ट्रेट हो चाहे कहीं भी एक काम करते हैं, तो उसका निरीक्षण करने के लिए भी क्या रहते हैं, अधिकारी रहते हैं। तो उसी प्रकार इसमें भी क्या रहेगा आपको, वित्त आयोग के बाद क्या है आपका, अकाउंटेंट रहेंगे। ठीक है, वित्त आयोग के बाद इसमें भी लेखा जोखा करने के लिए आपके अकाउंटेंट रहेंगे। अब क्या है 11 जो है 243K, इसमें क्या होगा, निर्वाचन एवं निर्वाचन आयोग। भाई इसमें जो जितने भी सदस्य रहेंगे, ठीक है, इसमें जो पदाधिकारी रहेंगे
उन लोग के चुनाव कराने के लिए एक निर्वाचन आयोग का गठन करेगा, ठीक है, वो क्या करेंगे इन लोग का इलेक्शन करवाएंगे, ठीक है। उसी प्रकार क्या है इसमें भी 243ZA में निर्वाचन आयोग का गठन किया जाएगा, ठीक। अब आता है 243L में आते हैं, इसमें क्या किया गया है, ये जो संघ राज्य क्षेत्र में लागू होना अर्थात जो पंचायती जो राज व्यवस्था है वो संघ राज्य क्षेत्र में भी क्या होता है लागू होता है, अर्थात हमारे जो केंद्र शासित जो प्रदेश है वहां भी ये पंचायती राज अर्थव्यवस्था और जो नगरी निकाय अर्थव्यवस्था दोनों क्या होंगे वो लागू रहेंगे, ठीक है। अब उसके बाद आता है आपका ये जो संघ राज्य क्षेत्र लागू होने के बाद क्या होगा कतिपय क्षेत्रों में लागू ना होना, इसमें क्या होगा कुछ ऐसे क्षेत्र रहते हैं, ठीक है, जहां पर ये लागू भी नहीं किया जा सकता है, जहां पर सरकार को ये डर रहती है कि यदि ये लागू हो गया तो कुछ कुछ गलत कार्य ना हो जाए, इस कारण वहां पर इसको लागू भी नहीं किया जाता है। तो यहाँ पर ये है संघ राज्य क्षेत्रों में ये लागू हो गया और लागू ना होना। अब लास्ट है 14 और 15, 243N में क्या किया गया है, पंचायत का बना रहना, कभी कभी क्या होता है जो पंचायत या नगर पालिका बनाने का काम किसका रहता है, पंचायत में किसका रहेगा, एक राज्यपाल को रहता है पूरा अधिकार रहता है कि किसको हमको पंचायत की घोषणा करना है, ये क्षेत्र पंचायत रहेगा, ये क्षेत्र जनपद पंचायत, तो इसकी घोषणा कौन करता है, राज्यपाल करता है या सरकार करती है, ठीक है। तो इसकी घोषणा क्या करते हैं हमारे 243N में आ जाता है कि पंचायत कब बना रहेगा कि नहीं बना रहेगा, ठीक है। तो और लास्ट जो है आपका 243O है, न्यायालय हस्तक्षेप का वर्णन, अर्थात यदि दो गांव के बीच में या दो जनपद पंचायत या जिला पंचायत या जनपद पंचायत में किसी भी प्रकार की क्या होती है लड़ाई हो जाती है, किसी भी प्रकार की आपस में मतभेद हो जाता है, तो ऐसे सिचुएशन में क्या होता है न्यायालय हस्तक्षेप क्या रहता है का वर्णन रहता है, अर्थात न्यायालय क्या हस्तक्षेप कर पाएगा या नहीं कर पाएगा उसके बारे में इसमें पूरी तरीके से क्या किया गया है बताया गया है। तो दोस्तों मैं इसमें यही कहना चाहूंगा कि आपको दो चीज को ध्यान रखना है कि पहले देखो कोई भी चीज बन रहा है कि हम किसी भी चीज को पहले परिभाषा दे दिए कि हाँ भाई हम पहले ग्राम सभा क्या उसका परिभाषा दे दिए, उसके बाद इसका ग्राम सभा बनने के बाद गठन कैसे होगा, गठन होने के बाद संरचना आएगा, आरक्षण अवधि अर्हताएं, इस प्रकार आपको याद करना है, तीन चीज को याद करना है, ठीक है, आरक्षण अवधि अर्हताएं, ये तीन चीज आपको याद हो गई, सेम उसमें भी यही चीज आपको याद करना है जो नगर पालिका के केस में आएगा। अब क्या हो गया, यदि हम किसी चीज को आरक्षण हो गया, अवधि हो गया, अर्हताएं हो गया, अब क्या होगा भाई इतना होने के बाद किसी भी जो संघ जो गठन होगा जो हमारे पंचायती जो पंचायत गठन हुए हैं उसको एक कर आरोपित करने की शक्ति होगी। अब कर आरोपित शक्ति हो गई है ना, तो क्या होगा सॉरी जो उसकी शक्तियां प्राप्त हो गई, शक्तियां प्राप्त होने के बाद क्या करेगा वो कर आरोपित करेगा किसी भी चीज पर, ठीक है। अब कर आरोपण की शक्ति किससे मिलेगी, उसको राज्य वित्त आयोग से मिलेगी, ठीक है। उसके बाद क्या है आपका जब राज्य वित्त आयोग बन जाएगा तो उसके जो ग्राम पंचायत जनपद पंचायत का लेखा जोखा या उसका अकाउंटिंग होना भी क्या हो बहुत जरूरी है। तो इस प्रकार आपको क्या करना है, इसको याद रखना है, यहां से यहां तक आपको वित्त आयोग तक आपको याद ही रखना है, अकाउंटिंग तक सॉरी राज्य के निर्वाचन आयोग तक आपको याद रखना है। ऐसे याद रखना आपको A, B, C, D, E, F, G, H, I, ठीक है, इसमें भी P, Q, R, S, T, U, V, W, X, ठीक है, Y, Z तक आपको क्या करना है याद करना है, P से लेकर Z तक आपको याद करना है। इसमें बस एक ही चीज आएगा आपका यहाँ पर वार्ड समिति है ना, जो क्योंकि नगर पालिका में क्या रहता है विभिन्न वार्डो की क्या होती है और समितियों का क्या किया जाता है गठन किया जाता है, इस कारण इसमें एक्स्ट्रा 243S बस एक्स्ट्रा आएगा आपका, ठीक है। यदि आपको कोई डाउट है तो आप प्लीज मेरे कमेंट कीजिए ज्यादा से ज्यादा, और आपको यदि मेरे वीडियो पसंद आता है तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं आपका नगरी निकाय से संबंधित जितने भी डाउट है क्या कर सकूं उसको क्लियर सकूं। थैंक यू।